मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है, योगा सेशन खत्म हो चुका है, अद्विक आज कॉलेज जा चुके हैं अपनी मम्मा के साथ। मैं भी नहा धो के रेडी हूँ, अभी देखते हैं कि क्या करना है, बिकॉज खाना बन चुका है। पहली चीज, मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, धूप निकली हुई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ये जो हवा चल रही है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब ये हवा शरीर पे लगती है सिर्फ उतनी देर तक ही महसूस होता है, और जैसे ही ये हवा लगना बंद होती है वापस से हमें महसूस होता है कि हम अभी गर्मियों के बीच में हैं। तो चलिए खैर शुरू करते हैं दिन, बताते हैं आपको कुछ एक्साइटिंग, बने रहिए वीडियो में। टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो देखते हैं अंकिता ने क्या बनाया है, चल के खाते हैं क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 इन द आफ्टरनून। तो लौकी चने की दाल है आज खाने में, थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और रोटियां, चटनी है, चटनी दे देते हैं। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बात करी थी एक नए सीरीज की, ग्रहण, जो कि हॉटस्टार पे चल रहा है। तो काफी अच्छा सीरीज है, इसमें जो दंगों के बारे में है, दंगों के बारे में तो दिखाया गया, दंगों का तो सिर्फ एक बैकग्राउंड लिया गया है, बाकी जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, जो पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग एक दूसरे को लड़ाते हैं, अदरवाइज जो एक लव स्टोरी दिखाई है ग्रहण में वो काफी अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो अगर आप लोगों ने अगर ग्रहण नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप देख सकते हैं, ग्रहण अच्छा सीरीज है। शुरू करते हैं अब खाना, दाल रोटी और टमाटर की चटनी। फिर बनाओ फिर, अगर जुलाई में चलना है तो देखो जुलाई तो आ ही गया है ना, तो जुलाई में कहाँ लद्दाख, अभी तो बहुत भीड़ है यार लद्दाख में। उत्तराखंड साइड भी चल सकते हैं, स्पीति है, लद्दाख है, कुछ भी करके आ सकते हैं। तुम्हारा वैक्सीनेशन हो गया? एक भी नहीं। तभी एक दोस्त का फोन आया था और वो कह रहा था कि अगर कोई बाइक ट्रिप प्लान करते हैं हम लोग जुलाई में, क्योंकि उसको कुछ छुट्टी मिली है शायद 14-15 दिन की। तो खैर मैं सोच ही रहा था कि कहीं ना कहीं प्लान करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं, और फाइनली वही हुआ कि मन की बात जो थी वो फ़ोन के द्वारा बाहर आ गई और कहीं जाने का, घूमने का प्लान बन रहा है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली है, बच्चा भी है, तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स, काफ़ी कुछ चीज़ें, सिनेरियोज देखने पड़ते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या बनता है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ सही सलामत एज पर दी प्लान होता है, तो हम जरूर 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 जाएंगे। तो अभी कर रहे थे थोड़ा सा काम, क्योंकि ट्रैवल शुरू हो चुका है, तो जो मेरा काम है कि मैं लोगों को पैकेज बना के देता हूँ, थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा काम कर रहे थे। अभी थोड़ा थोड़ा अगर करते रहेंगे तो शायद फिर से जो होप है वो मेरी भी होप जागेगी, दूसरे की भी होप जागेगी, ताकि लोग ट्रैवल करें, अपनी बाइकें, अपनी कार उठाते हैं और ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, लोग अवेयर हैं, लोग काफ़ी ओपन हो चुके हैं ट्रैवल को लेके, जो एक डर था एक अनजान डेस्टिनेशन का वो अब खत्म हो चुका है काफ़ी लोगों के अंदर से, खुद से लोग ट्रैवल करते हैं, अच्छी बात है। बट जो एक ट्रैवल एजेंट है इज़ अ फ्रेंड ऑफ अ टूरिस्ट, तो उसको कभी इग्नोर ना करें, और जो भी मदद आप एक ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए। अगर आपको कहीं भी घूमना टहलना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी आप सवाल ट्रैवल से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा, क्योंकि ट्रैवल सिर्फ मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है, ट्रैवल मेरी एक हॉबी भी है। तो अगर आपको कोई सवाल, कोई भी अगर क्वेरी है आपकी, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या घूमना है। तो आंटी आई थी, सारे बर्तन धुल चुके हैं और अभी बना रहा हूँ मैं चाय। थोड़ी सी डालते हैं इसमें तुलसी पत्ती चाय में, तो अगर 2-3 पत्तियां भी हम लोग डाल देते हैं चाय में, चाय का स्वाद बदल जाता है। तो अभी अभी अंकिता वापस आई है घर, और अभी हम लोग डराएंगे आदमी को, लेट्स सी। अदो तुम डर गए, तुम फर्स्ट आ गए, रेसिंग कर रहे थे क्या? मजा आया?
कैसे हो? मास्क मत खाओ, मुंह में मास्क नहीं डालते हैं। तुमको भी मिस किए और तुम्हारी मम्मा को भी मिस किए। बाय 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 बाय, हम कल फिर आएंगे। कल फिर आएंगे। थैंक यू। बाय बाय।